नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तनज़ुली। कॉलम निगार हैं काशिफ अशफाक और आवाज़ है अक्सर ज़ादा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। वर्ल्ड बैंक की जानिब से रवा माह के आगाज में जारी करदा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024-2023 के मुताबिक पाकिस्तान इंसानी तरक्की या अपनी आबादी पर सरमायाकारी के हवाले से न सिर्फ जनूबी एशिया में सबसे निचले दर्जे पर आ चुका है बल्कि इस दर्जाबंदी में हमारा मकाम बाज अफ्रीकी ममालिक से भी निचली सतह पर पहुंच चुका है। वाज़े रहे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बुनियादी तौर पर वो पैमाना है जो मुख्तलिफ ममालिक में तरक्की की सतह की पैमाइश और मवाजना करने के लिए इस्तेमाल होता है। आलमी दर्जाबंदी का ये तरीक़ाकार अक़वामे मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP ने 1990 में मुतारिफ करवाया था। ये दर्जाबंदी किसी भी मुल्क की 3 बुनियादी जहतों में तरक्की को मद्देनजर रख कर तैयार की जाती है जिसमें सेहत, तालीम और मयारे जिंदगी शामिल हैं। इसका मकसद हुकूमतों को पॉलिसी साजी के लिए रहनुमाई फराहम करना और इन शोबों की निशानदही है। जहां शहरियों की फलाह बहबूद और मयारे जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करने की अशद जरूरत होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में हर हकूमत कयाम से लेकर इख्तिताम तक या तो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए मसरूफ अमल रहती है या इसे उमूर मुमलिकत चलाने के लिए दरकार वसाइल की इंतजाम कारी का चैलेंज दरपेश रहता है। यूं हर हुकूमत आने वाली नई हुकूमत के लिए पहले से भी ज्यादा बड़े मसाइल और माली बहरान छोड़ कर जाती है। यही वजह है कि हमारे मुल्क का शुमार अब तरक्की पजीर ममालिक की बजाय एक गरीब मुल्क के तौर पर किया जाने लगा है जो अपने रोजमर्रा माली उमूर को चलाने के लिए आलमी इदारों और दोस्त ममालिक का दस्ते नगर बन चुका है। सालहा साल से जारी पॉलिसियों का नतीजा है कि हम आलमी मालियाती इदारों से एक के बाद एक मालियाती पैकेज या कर्ज लेने पर मजबूर हैं और कर्ज दर कर्ज का ये जाल मुल्क में मजीद गुर्बत फैलाने और महंगाई में इजाफे का बाइस बन रहा है। पाकिस्तान में अक़वामे मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के रेजिडेंट नुमाइंदे सिमोइल रजक का ये बयान हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी होना चाहिए कि पाकिस्तान 164 की कम इंसानी तरक्की की दर्जाबंदी के साथ दुनिया का सबसे गरीब आमदनी वाला मुल्क बन गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024-2023 के मुताबिक हेटी और जिम्बाब्वे जैसे ममालिक ने भी गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इसकी बड़ी वजह ये नजर आती है कि हमारा मुल्क गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है और दूसरी तरफ हम दूरस माशी इस्लाहात करने के बजाय आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से कर्ज पर कर्ज लेकर कारोबार हुकूमत चलाने की खतरनाक पॉलिसी पर कारबंद हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौमी मालियाती कमीशन के तहत सूबों के हिस्सों की अदायगी के बाद विफाके हुकूमत के पास इतनी रकम भी बकाया नहीं बचती है कि वो लिए गए कर्जों की मद में वाजिबुल अदा सूद की अदायगी यकीनी बना सकें। ये तर्ज हुकूमत मुल्क में इंसानी तरक्की के लिए वसाइल की फराहमी में बड़ी रुकावट है। अगर हम गुज़िश्ता 2 साल की इक्तिसादी पॉलिसियों का जायजा लें तो ये वाज़े नजर आता है कि माशी हालात की खराबी का खमियाजा गरीब आवाम ने बर्दाश्त किया है और इस वक्त भी मजीद इन पर माशी बोझ लादने की तैयारियां की जा रही हैं। इक्तिसादी तरक्की की शरह में कमी और महंगाई में इजाफे के बाइस 1 करोड़ से ज़ायद आबादी के सरों पर गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खतरा मंडला रहा है। इस हवाले से मजीद अफसोसनाक बात ये है कि आलमी बैंक और IMF के तखमीनों के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में 5-6% की इक्तिसादी शरह नमू हासिल नहीं कर सकेगा। इस तरह मुल्क में इंसानी तरक्की की शरह मजीद कम होने का इम्कान है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान के हमसाया ममालिक मुसलसल बेहतर मौशी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान इनसे मौशी दौड़ में मजीद पीछे चला गया है। पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो ये है कि हमारे पास इंसानी सरमाए की तरक्की के लिए मुतालिका शोबों में खर्च करने के लिए माली वसाइल नहीं है। पाकिस्तान को इंसानी तरक्की के बढ़ते हुए बहरान का सामना है। हालिया बरसों में ख्वानदगी, तालीम, सेहत, गुर्बत और इंसानी बहबूद के दीगर पहलुओं के ज्यादातर इशारे अबतर हैं। इसके बावजूद सियासी कयादत और मुक्तदिर तबकों में इन मसाइल पर कोई फिक्रमंदी नजर नहीं आ रही है। इलावा अजीं 2 माह कबल होने वाले आम इंतखाबात में भी ये मसाइल किसी सियासी जमात या उम्मीदवार के एजेंडे पर सरे फहरिस्त नहीं थे और न ही अवाम ने कौमी सतह पर इन बुनियादी मसाइल को किसी उम्मीदवार या सियासी जमात को वोट देने के लिए पैमाना बनाया। एक तरह से हमने बहैसियत मजमूई अपने मुस्तकबिल से आंखें बंद की हुई हैं और हमारी तमाम तर तवनाई एक दूसरे को नीचा दिखाने में जाया हो रही है। ये सूरत हाल इस लिहाज से मजीद अफसोसनाक है कि चंद अशरे कबल पाकिस्तान ने दुनिया का वो मुल्क होने का एजाज हासिल किया था जिसने पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए कौमी असेंबली में करारदाद पेश की थी, लेकिन अब ये हालात हैं कि हमारे लिए पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल ही नामुमकिन हो चुका है। ये हालात हर्जी फहम के लिए सोचने का मुकाम है कि क्या हमने अंधेरों का ये सफर इसी तरह जारी रखना है या अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए जाती मफादात से बालातर होकर मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए मिलजुल कर इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।